नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। तो खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नज़र हेडलाइंस। नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म, 7 एजेंडों पर लगी मुहर। बिहार में डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली के नाम पर फर्जीवाड़ा, पुलिस ने 9 जालसाजों को दबोचा। ओबीसी आरक्षण बिल लोकसभा से पारित, अब राज्यसभा में पेश होगा बिल। जातियों की सूची राज्य सरकार कर सकेगी तैयार। पंचायत चुनाव को लेकर जेल प्रशासन ने लिया फैसला, बेऊर जेल में बंद 9 कुख्यात कैदियों को शिफ्ट किया गया भागलपुर। अब बिहार में जिलों के डीएम एसपी को देनी होगी पेंडिंग केस की रिपोर्ट, गृह विभाग ने दिया निर्देश। सीएम नीतीश ने किया 989 योजनाओं का शुभारंभ, बोले पहले से स्वास्थ्य व्यवस्था में हुआ काफी सुधार। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बोले नीतीश, कौन क्या करता है इससे हमें मतलब नहीं, हम अपने स्टैंड पर कायम हैं। बिहार के 12,000 लाभार्थियों को मिला उज्ज्वला योजना का लाभ, जानिए फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन के लिए कैसे करें अप्लाई। सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग पर जताई नाराजगी, बोले अब नियोजित नहीं कहिए, अब सभी सिर्फ शिक्षक हैं। बक्सर में बाढ़ से बिगड़े हालात, चौसा मोहनिया हाईवे पर चढ़ा पानी, परिचालन बंद। बीते मंगलवार को मुख्य सचिवालय में नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कुल 7 एजेंडों पर मुहर लगी। नीतीश कैबिनेट ने जिन प्रस्तावों पर मुहर लगाई है उनमें पथ निर्माण विभाग से जुड़े 3 प्रस्ताव हैं, जबकि नगर विकास एवं आवास विभाग से जुड़ा 1 प्रस्ताव शामिल है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा 1 प्रस्ताव और पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग से जुड़ा 1 प्रस्ताव शामिल है। सरकार ने बिहार नगर पालिका भवन न्यायाधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों के सेवा स्तर को लेकर प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इसके अलावा बिहार में 18 वर्ष और इससे ऊपर के सभी नागरिकों को कोरोना वायरस के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से पहले निकाले गए 100 करोड़ रुपये से परिचालन लागत मद से 169 करोड़ रुपये के व्यय को स्वीकृति प्रदान की है। सरकार ने पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अंतर्गत गव्य विकास निदेशालय के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों में लिपिक संवर्ग में भर्ती प्रक्रिया पूर्ण, अति और अन्य सेवा शर्तों के लिए नियमावली 2021 को स्वीकृति प्रदान की है। पटना के नेवरा और दानापुर इलाके में रहने लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। अब दानापुर और नेवरा रेलवे स्टेशन के बीच आरओबी का निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए राशि को स्वीकृति दी गई है। केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि के अंतर्गत रोहतास जिले में सोन नदी पर पांडुका के पास अप्रोच रोड के साथ 2 लेन वाले हाई क्वालिटी आरसीसी पुल के निर्माण के लिए 200 करोड़ 13 लाख की स्वीकृति दी गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार से सामने आ रही है। बिहार में नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़े के कई मामले सामने आते रहे हैं। ताजा मामला मधुबनी जिले का है, जहां पुलिस ने 9 जालसाजों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इन जालसाजों ने डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली के नाम पर लोगों से लाखों रुपए की ठगी की है। दरअसल मामला नगर थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने स्टेशन रोड स्थित सिंघनिया होटल में दबिश देकर 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह की जानकारी मधुबनी सदर के SDM अभिषेक रंजन को मिली थी कि रेलवे स्टेशन के पास सिंघनिया होटल में लुसियंट इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी द्वारा वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत डिजिटल कार्ड बनाने के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटरों की बहाली का फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार इस कंपनी ने युवाओं को कहा था कि प्रत्येक ब्लॉक के लिए डाटा ऑपरेटर की बहाली की जानी है। इतना ही नहीं, इस कंपनी के द्वारा बहाली प्रक्रिया के लिए किसी अखबार में विज्ञापन भी दिया गया था, लेकिन विज्ञापन में सरकार से संबद्धता कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित नहीं है। इसकी सूचना मिलते ही SDM के निर्देश पर राहिका अंचल के CEO ने नगर थाना पुलिस के साथ होटल में दबिश देकर जालसाज गिरोह से जुड़े 9 आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ ही मौके से लैपटॉप, मोबाइल और कुछ नगद राशि के अलावा एक लग्जरी कार और कई कागज भी बरामद किए हैं। राज्य सरकारों को ओबीसी रिजर्वेशन के लिए जातियों की सूची तैयार करने का अधिकार देने वाले बिल पर लोकसभा में मुहर लग गई है। लोकसभा ने इन विधेयक को 386 मतों से पारित किया है। वहीं इसके खिलाफ कोई वोट नहीं पड़े। संविधान में 127वें संशोधन के लिए लाए गए विधेयक के तहत राज्यों को अपने मुताबिक ओबीसी आरक्षण के लिए सूची तैयार करने का अधिकार मिलेगा। लोकसभा से पारित हुए इस बिल को अब राज्यसभा में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह देश भर में कानून के तौर पर लागू हो जाएगा। इस नए कानून से महाराष्ट्र समेत कई राज्यों को स्थानीय स्तर पर जातियों को ओबीसी आरक्षण की सूची में शामिल करने का मौका मिलेगा।
बेउर जेल में बंद 9 कुख्यात कैदियों को भागलपुर जेल शिफ्ट किया गया है। पंचायत चुनाव को लेकर जिला पुलिस प्रशासन की रिपोर्ट पर जेल प्रशासन ने यह फैसला लिया है। जिला प्रशासन ने इन कुख्यात कैदियों से पंचायत चुनाव में शांति भंग कराने की आशंका जताई है। कारा महानिरीक्षक मिथिलेश मिश्रा से कैदियों के शिफ्टिंग मामले पर मुहर लग जाने के बाद मंगलवार को केंद्रीय कारा बेउर के अधीक्षक ई जितेंद्र कुमार ने 9 कुख्यात कैदियों को केंद्रीय कारा भागलपुर शिफ्ट कर दिया गया है। विशेष केंद्रीय कारा भागलपुर में शिफ्ट किए गए कैदियों में कुख्यात रवि रंजन उर्फ पप्पू, संजय साव उर्फ संजय कुमार उर्फ भोला ठठेरा, अमन कुमार, सुनील कुमार उर्फ सुनील यादव शामिल है। वहीं कुख्यात मोनू चौधरी विकास कुमार उर्फ चौबे को विशेष केंद्रीय कारा भागलपुर शिफ्ट किया गया है। कुख्यात मोहम्मद असलम उर्फ कलकावा, नीरज कुमार उर्फ निखिल एवं विकास कुमार को शहीद जुब्बा साहनी केंद्रीय कारा भागलपुर शिफ्ट किया गया है। बिहार के जिलों में पेंडिंग क्रिमिनल केस यानी कि लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी अब हर महीने डीएम और एसपी को देनी होगी। राज्य के सभी जिलाधिकारियों, एसएसपी और एसपी को यह दिशा निर्देश गृह विभाग ने जारी किया है। गृह विभाग ने सभी जिलों के डीएम और एसपी से कहा है कि वह जनवरी से जुलाई महीने तक के लंबित आपराधिक मामलों का ब्यौरा दे। जिलों को यह भी बताना होगा कि कितने आपराधिक मामलों में सजा हुई है। गृह विभाग ने जो नया आदेश जारी किया है उसके मुताबिक हर महीने 5 तारीख को नियमित रूप से मासिक रिपोर्ट भेजनी होगी। पूरे बिहार राज्य में तकरीबन 1,95,000 से ज्यादा केस पेंडिंग है। इनमें सबसे ज्यादा केस पटना जिले में पेंडिंग है। पटना जिले में 24 से 25,000 के अब तक के केस पेंडिंग चल रहे हैं। इसके अलावे गया, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी में भी लंबित आपराधिक मामलों की संख्या ज्यादा है। सरकार इस बात को लेकर ज्यादा चिंतित इसीलिए है क्योंकि पेंडिंग केस की संख्या लगातार बढ़ रही है और इससे काम का बोझ भी बढ़ा है। इस साल दिसंबर महीने में राज्य के अंदर 1,75,000 केस पेंडिंग थे जो अब लगभग 2,00,000 के करीब पहुँच गए हैं। कोरोना की संभावित तीसरी लहर की आशंका के बीच बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का काम जोरों पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को अधिवेशन भवन में 989 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास और उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं की कुल लागत 2705 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। इस दौरान उन्होंने जस ने टीका पोर्टल को भी लॉन्च किया। इस दौरान कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। उद्घाटन समारोह के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि पहले की तुलना में बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था काफी सुधरी है। पहले के मुकाबले अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे मरीजों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। जातीय जनगणना के मसले पर जनता दल यूनाइटेड की तरफ से बढ़ते दबाव को काउंटर करने के लिए बीजेपी ने जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात की थी। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर नीतीश कुमार में शामिल बीजेपी के मंत्री भी मांग करने लगे हैं। ऐसे में जब नीतीश कुमार से इस बाबत सवाल किया गया तो उन्होंने फिर एक बार जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक कानून की बजाय जागरूकता को महत्वपूर्ण बताया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कौन क्या कहता है, क्या करता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ है। नीतीश कुमार ने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूकता से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। सीएम नीतीश ने कहा है कि हमारे बिहार में जागरूकता के जरिए प्रजनन दर में कमी आई है। आज बिहार का प्रजनन दर 4 से 3 पर जा पहुंचा है और अगले 5 साल में हम इसे 2 पर ले जाएंगे। उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत बिहार के 12,000 लाभार्थियों को मंगलवार को प्रधानमंत्री ने निशुल्क कनेक्शन दिया। 12,000 कनेक्शन में इंडियन ऑयल ने 6,000 और बीपीसीएल एचपीसीएल ने 6,000 कनेक्शन बांटे। उत्तर प्रदेश में हुए मुख्य कार्यक्रम में पटना के लोग भी जुड़े। कांटी फैक्ट्री रोड में आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के महाप्रबंधक उदय कुमार ने बताया कि उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत लाभार्थियों को पहली रिफिल मुफ्त में उपलब्ध कराने के साथ ही चूल्हा भी फ्री में दिया जाएगा। उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले ऑनलाइन पोर्टल pmuy.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद अप्लाई फॉर न्यू उज्ज्वला 2.0 कनेक्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक के बाद एक पेज खुलेगा जिस पर 3 गैस एजेंसी का ऑप्शन दिया रहेगा। बीते सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में 134 लोग फरियाद लेकर पहुंचे थे जिनका सीएम ने ऑन स्पॉट निपटारा किया। सबसे ज्यादा शिकायतें शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य
और समाज कल्याण विभाग से जुड़ी थी। शिक्षा विभाग में वेतन से जुड़े कुछ मामले 1980 के आसपास आए थे। इन्हें तुरंत विभाग को देखने का आदेश सीएम ने दिया। पूर्णिया के बड़हरा प्रखंड निवासी गौरव कुमार ने बताया कि माध्यमिक स्कूलों में शारीरिक शिक्षकों की बहाली पदवर्ग समिति के अनुशंसा के बाद भी नहीं हो रही है। शिक्षा विभाग बोलता है कि मुख्यमंत्री ही नहीं चाहते हैं तो बहाली कैसे होगी। इस पर सीएम ने पूछा कि विभाग में कौन बोलता है यह बात। युवक ने विभाग के अपर मुख्य सचिव और प्राथमिक शिक्षा निदेशक का नाम लिया। इस पर सीएम ने तुरंत अपर मुख्य सचिव को फोन लगाया और बोले कि पीटी की बहाली से संबंधित प्रस्ताव आप लोग मेरे पास लेकर कभी नहीं आए तो इस पर निर्णय कैसे होगा। आगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि यह लड़का जो बोल रहा है उसे समझ लीजिए और तुरंत इस पर कार्रवाई कीजिए। विभाग के स्तर पर इनकी बहाली का निर्णय लेकर इस प्रस्ताव को मेरे पास लेकर आए तब कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बक्सर में पिछले 24 घंटे में गंगा के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। पानी 20 सेंटीमीटर से अधिक बढ़ा है। इससे गंगा खतरे के निशान से 32 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। बाढ़ से हालात इस कदर बिगड़े हैं कि चौसा मोहनिया हाईवे पर पानी चढ़ जाने से आवागमन बंद हो गया है। आम लोगों के साथ ही प्रशासन की भी चिंता बढ़ गई है। जलस्तर में वृद्धि से गंगा के तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बक्सर सदर, सिमरी, चक्की, इटाड़ी, ब्रह्मपुर और चौसा प्रखंडों के कई गाँव बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। गंगा का पानी बक्सर शहर की छुमंतर गली में प्रवेश कर गया है। गंगा के पानी के दबाव से कर्मनासा नदी का पानी लगातार बढ़ रहा है। इससे बनारपुर गांव के दर्जनों घरों में पानी भर गया है। वहीं चौसा कोचस हाईवे से मात्र 1 फुट नीचे पानी बह रहा है। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।